सशक्त बनाने के लिए मार्च कर रही है ये, और ये लगातार ये नारेबाजी हो रही है। जय श्री राम का, जय श्री राम। पांच सौ समस्या के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो और इसके आगे भी हम लोग अखंड भारत चाहते हैं। हिंदू आज भी संगठित है और अपने राम जी के मंदिर बनने से बहुत खुश है। एक सुंदर समाज में संदेश है, बहुत अच्छा माहौल है। बरसों बरसों के पूर्वजों की तपस्या का ये परिणाम है, इसलिए निकला है, बड़ा अच्छा लगा। राम नाम के जयकारों से गूंज उठा पूरा जनपद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बच्चियों द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। देवरिया से आकाशपति त्रिपाठी की रिपोर्ट। पवित्र नगरी अयोध्या अपने भगवान के आगमन के लिए तैयार है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर को विशेष और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर जगह भव्य तैयारियां की जा रही है। जगह जगह जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में जनपद देवरिया में भी हर जगह शोभा यात्रा देखने को मिला है। शोभा यात्रा भगिनी निवेदिता सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के द्वारा भी निकल गया। ये शोभा यात्रा विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर हनुमान मंदिर रोड, सीसी रोड होते हुए राघव नगर पुनः हनुमान मंदिर रोड से विद्यालय प्रांगण पहुंचकर समापन हुआ। ये शोभा यात्रा महिलाओं से लेकर के विद्यालय के छात्राओं से भरा हुआ था। सभी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। श्री राम के भजनों पर बच्चों द्वारा नृत्य भी किया जा रहा था। विद्यालय की छात्राएं राममय हो गई थी। सभी लोग प्रभु श्री राम के भजन पर झूम रहे थे। प्रशासन के लोग शोभा यात्रा के सुरक्षा में लगे हुए थे। कोतवाली देवरिया सदर के कोतवाल स्वयं अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था को संभालते नजर आए। यही नहीं, पब्लिक में शोभा यात्रा में शामिल होकर श्री राम का नारा लगा रही थी। वहीं महिलाओं का कहना था कि सैकड़ों वर्षों से जिस दिन का इंतजार था वह दिन आ गया है। पूरा का पूरा जनपद राममय हो गया है। सैकड़ों वर्षों बाद प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार है वह लाखों हिंदुओं की बलिदान का देन है। अभी राम मंदिर बना है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। मीडिया से बातचीत में महिलाओं द्वारा ये भी बताया कि वर्षों से की जा रही तपस्या का फल अब मिला है। अभी तो ये शोभा यात्रा कुछ भी नहीं है, भविष्य में प्रभु श्री राम के लिए इससे भी भव्य किया जाएगा। हम सभी जानते थे कि एक ना एक दिन भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा व मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगी और बनी भी। हिंदुओं ने कसम खाई थी कि मंदिर वही बनाएंगे, वही हुआ भी, मंदिर वही बनाया है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बताइए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कल्पना श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य वर्णी देवता सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। आपके साथ देखने को मिल रहा है कि काफी संख्या में बच्चों की संख्या है और महिलाओं की संख्या है, और ये जो जुलूस आपने निकाला है इससे क्या आपका संदेश देना चाहती है लोगों को, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भैया इसके बारे में क्या ही कहना है, जब सब लोग ये बात जान ही रहा है। जय श्री राम। पांच सौ समस्या के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना है, मंदिर वही बनाना है। बहुत सी महिलाएं हैं और जो श्री राम का नारा लगाते हुए और अपने आप को क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मार्च कर रही है ये, और ये लगातार ये नारेबाजी हो रही है। जय श्री राम का। मैं दीपेंद्र विभाग का संपर्क प्रमुख, अयोध्या विभाग विशेष अध्यापक हूँ। सर ये जो जुलूस आपने निकाला है कहाँ से कहाँ निकाला है, कहाँ से कहाँ तक इसको ले जाने का उद्देश्य रहा आपका, और आप जनता को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे तो देवरिया में ऐसे बहुत कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन स्पेशली ये कार्यक्रम भगिनी निवेदिता की बच्चियों ने निकाला है।
और आग्रह करके, उनका खुद का आग्रह था कि आपको सम्मिलित रहिए, हम लोगों की तरफ से जलूस निकलेगा और ये प्रिंसिपल है पत्नी निवेदिता की, और एक सुंदर समाज में संदेश है, बहुत अच्छा माहौल है, बरसों बरसों के पूर्वजों की तपस्या का ये परिणाम है, इसलिए निकला है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। सबसे पहले मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा राष्ट्र लेखा समिति में जिला व्यवस्था प्रमुख का है और हम लोग बच्चों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू को संगठित करें, हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित हो और इसके आगे भी हम लोग अखंड भारत चाहते हैं। सबसे पहले मैम मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय देते हुए जो ये शोभा यात्रा निकाला गया था इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं इसके बारे में बताइए। मैं प्रियंका राष्ट्रीय समिति की सनगर कार्यवाही का और ये पूरे देवरिया की मातृशक्ति का आज जो है राम जी की मंदिर बनने की ये खुशी में शोभा यात्रा निकाली गई है। हम लोग इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू आज भी संगठित है और अपने राम जी के मंदिर बनने से बहुत खुश है और जैसे कई युगों पहले त्रेता युग में जब राम जी के आने पर लोगों ने खुशी मनाई थी उसी प्रकार की ये खुशी आज हम लोगों को फिर से वही महसूस हो रही है और फिर से हम लोग उसी प्रकार का उत्सव मना रहे हैं। हम लोग